हरियाणा के कैथल जिला में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा है कि कैथल जिला प्रशासन भाजपा की भक्ति करने में इतना अंधा हो गया है कि वो किसानों, गरीब मजदूर, जनता के रहबरे आजम ताऊ देवीलाल के नाम को पत्थरों व पार्कों से मिटाने जैसे कुकृत्य करने लगा है। प्रशासन ने दुस्साहस करते हुए सेक्टर 19 व 20 के ग्रीन बेल्ट में बनाए गए ताऊ देवीलाल के नाम से बने पार्क का नाम बदलकर सेक्टर 20 टाउन पार्क कर दिया गया है। इसी प्रकार से सेक्टर 19 के पार्क को भी ताऊ देवीलाल के नाम से बदलकर टाउन पार्क सेक्टर 19 कर दिया गया है। प्रशासन ने यदि शीघ्र ही इस पार्क का नाम फिर से ताऊ देवीलाल नहीं किया गया तो हम लोग खुद यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क लिख देंगे। यदि कोई रोकने का प्रयास करेगा तो हम उनसे निपटना भी खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। सोमवार दोपहर अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए रामपाल माजरा ने कहा है कि आज जब वे पार्क में गए तो उन्हें यह देखकर दुख पहुंचा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा सेक्टर 19 व 20 में ताऊ देवीलाल के नाम से जो पार्क बनाया गया था उसका नाम बदलकर टाउन पार्क कर दिया गया है और मोटे मोटे अक्षरों में यह नाम भी लिख दिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ताऊ देवीलाल को देश के पीएम बनाने का भी फैसला हो गया था, लेकिन त्यागमूर्ति ताऊ देवीलाल ने यह ताज वीपी सिंह के सिर पर रख दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद को भी ठुकराने में देर नहीं लगाई। किसानों के मसीहा की सीख का ही महत्व है कि संसद में उनकी प्रतिमा स्थापित है और दिल्ली में किसान घाट उन्हीं के सम्मान में बनाया गया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बतौर सीएम रहते इन पार्कों का नाम भी इसलिए उनके नाम पे रखा था कि आने वाली पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकेंगी। लेकिन यह दुख का विषय है कि जिला प्रशासन अब उनके नाम को मिटाने पर उतारू हो गया है। हम लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि शीघ्र ही इस पार्क का नाम ताऊ देवीलाल के नाम से नहीं किया गया तो वो खुद यहाँ ताऊ देवीलाल का नाम लिखवा देंगे। कागजी कार्रवाई में भी इस पार्क का नाम ताऊ देवीलाल के नाम से ही दर्ज है। पे कुछ अधिकारी इकट्ठे हो गए थे मेरे जाने के बाद, पर उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए यही कहा कि जी यहाँ पे यहाँ की उच्च अधिकारी जिले की आई थी उसी ने लिखवाया है, जिसकी वजह से हम तो इसको कुछ इसमें तरमीम या कोई चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए मैंने आज आपके माध्यम से तुरंत से आज की ये पत्रकार वार्ता बुलाई और मैं आज के आपके माध्यम से और आपसे विशेष तौर से अनुरोध करता हूँ कि तुरंत से ये प्रशासन संभल जाए, अन्यथा तो हम खुद ही लिख देंगे या कितना ही जोर लगा लेना, हम चौधरी देवीलाल के इस टाउन पार्क के उनके नाम पे बने हो इसी प्रकार से सजो के रखें। राजनीतिक तौर से कुछ लोग बचकानी हरकतें करते रहते हैं और जिनकी वजह से ऐसा हुआ होगा, और इसमें जितने भी आप पत्र व्यवहार हुए हैं आज तक, ये सारे के सारे डेवलपमेंट ऑफ ताऊ देवीलाल टाउन पार्क इन द सेक्टर, इन सेक्टर 20, 20 एंड 19 कैथल, ये सारे के सारे पत्राचार भी जितने हुए हैं ताऊ देवीलाल टाउन पार्क के नाम पे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो पत्थर रखा गया मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा, उस पत्थर को भी कोशिश की गई खींच खींच के उसके शब्दावली को मिटाया गया, और इसके आगे लिखने की जो जरूरत की है, जो हौसला किया है, वो जानबूझ करके किया गया है ताकि के इतने बड़े व्यक्तित्व को, इतने बड़े किसान मजदूर रहबर को इस प्रकार से अनादर किया जाए। चौधरी देवीलाल हमारे दिलों पर राज करते हैं, पत्थरों और शिलाओं से नाम मिटाए जा सकते हैं, संस्थाओं से नाम मिटाए जा सकते हैं, पर चौधरी देवीलाल का नाम तो हर हरियाणवी के दिल पे लिखा हुआ है, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। पार्टी की तरफ से कुछ आंदोलन, अगर प्रशासन संभल करके इसे ताऊ देवीलाल टाउन पार्क का नाम तुरंत से लिख देगा तो ठीक है, नहीं तो हम खुद ही लिख देंगे, तो फिर उसके साथ निपटना भी हमें खूब आता है, मुझसे निपट लेंगे, प्रकार की गुरेज नहीं करेंगे, और जरूरत किसी भी प्रकार के आंदोलन की पड़ी तो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। हरियाणा के कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट।